क्या है कामिका एकादशी के व्रत की महिमा, आइए जानें संत श्री आशाराम जी बापू से। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण चतुर्मास के सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म्य है और उसका व्रत करने से क्या लाभ होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण पक्ष की सावन महीने की जो एकादशी है उसका नाम है कामिका एकादशी। इस कामिका एकादशी का महात्म भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में नारद जी ने प्रार्थना की थी कि सावन मास की कामिका एकादशी का महात्म्य बताइए देव। ब्रह्मा जी ने कहा समूची पृथ्वी और समुद्र सहित का दान करने से जो फल होता है वो कामिका एकादशी का विधिवत व्रत करने से फल होता है। ऐसा नहीं सुबह फलाना खाया, दोपहर को मुरैया और ये खाया और शाम को बटाका और फलाना खाया और शाम को दूध पिया और थोड़ी आइसक्रीम खाई तो एकादशी नहीं किया, तुमने तेरादशी कर दी। स्वास्थ्य का भी लाभ नहीं हुआ, पुण्य का भी लाभ नहीं हुआ। जनार्दन का पूजन किया, भगवान कृष्ण का राम का नाम लिया, भगवान का पूजन किया, शुभ कर्म किया, मौन रखे, रात्रि का थोड़ा जागरण किया तो आपने पृथ्वी समुद्र सहित दान करने का फल पाया। अथवा खूब दूध देने वाली बछड़े सहित गाय, उस गाय को सुवर्ण आदि सिंगों में लगाकर बहुत कुछ सामग्री देकर तुमने दान करने से जो फल पाया वही फल एकादशी से प्राप्त होगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कही और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही। ये कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करने वाला, माणिक मोती और हीरों से पूजन करने वालों की अपेक्षा भी ज्यादा पुण्य को प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ यमदूत आते समय डर पाते हैं तो वहाँ रहने वाले को यमपुरी कैसे जाना होगा। एकादशी के दिनों में जो दीपक का दान करता है, दीप ज्योति आदि जलाते, उनके पितरों को प्रकाश मिलता और वे तृप्त होते हैं, पितर उनके कुल में अच्छी संतान आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन जो मौन रखे, कम बोले, भगवान जनार्दन चक्रपाणी की उपासना पूजा करे, नीच कर्मों का त्याग करे, वो इन सारे फलों को युधिष्ठिर महाराज सहज में ही पाता।